जीवन मनुष्य को काम हो युग विश्राम आत्मार्थ बाधा करम से ना अलग गेम और टॉर्च एडिशन के टॉपिक बाय के हमारे आइडेंटिटी अगर जीवन जैसे के जो होम के के तुम कर के रेस्पेक्ट कर सेट प्रोजेक्ट व्यूज की जो ये मैनेजमेंट है ये हमारे पहुंचने में कैसे आई कहां से आई कौन वो मुजरिम है जो हमारे नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। मेरा नाम अतीक रहमान वानी, मैं दरअसल डोडा प्रदेश से हूँ और यहाँ पर किसी काम के पेशे नज़र में आया था, तो इसी असना मुझे यहाँ के जो डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने मदद किया था। चूँकि उनके यहाँ पर एक प्रोग्राम होने जा रहा था हिफ्ज़ सेहत के हवाले से, जो मंशियात के तनाजुर में था कि हम मंशियात के हवाले से किस तरह लोगों को मुतनबे करें कि आप इस किस्म के जराइम से बचें, तो इसी हवाले से मुझे आज उन्होंने यहाँ पर मदद किया था। आज यहाँ जैसे मुझे हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ड्रग डिएडिक्शन प्रोग्राम, और इसके हवाले से अवेयरनेस कैसे अवेयर किया जाएगा अपने यूथ को इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, जो इन्वॉल्व है उन्हें कैसे बचाया जाए, जो अभी इन्वॉल्व नहीं है उन्हें कैसे बचाया जाए, इसकी रिकवरी कैसे हो सकती है, किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए सिलसिले में आज का प्रोग्राम ये वक्फ बोर्ड की इश्तराक से यहाँ पर मुनक़द हो रहा है। कि इस्लाम एक जामे मज़हब है, इस्लाम जिस तरह इंसान की हर कैफियत की हिफाजत करता है, चाहे वो रूहानी हिफाजत हो या बदनी हिफाजत हो, हर एतबार से इस्लाम इंसानियत को बचाता है। तो इस्लाम में ये मनशियात नशा और चीज़ें तमाम की तमाम चीज़ें हराम हैं। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर वल अनसाब, के शराब जुआ और इसी तरह पहले ज़माने में तीरंदाजी हुआ करती थी, उस पर कुछ लोगों के मखसूस नाम लिखे जाते थे, अगर उस पर हाँ आता था तो वो उस काम को कर लेते थे, अगर ना आता था तो वो उस काम से बाज रहते थे। तो हर वो चीज़ जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो उससे इस्लाम ने हर वक्त इंसानियत को मना किया है। यही वजह है कि इस्लाम के अंदर शराब भी हराम है। पहला रोल तो ये है, अगर आप यहाँ सर्वे कर लेंगे इस बारे में, जब हम एवरी फ्राइडे खिताब करते हैं तो हम अल्लाह के फजल करम से लोगों को कन्वेंस करते हैं जो इश्यूज होते हैं, और फिर स्कूल्स के असम्बलीज पर जा करके, अभी कॉलेज लेवल के असम्बलीज पर हम नहीं गए हैं क्योंकि कॉलेज वक्त अपना प्रोग्राम होता है। अब ये भी शायद मालूम नहीं है अभी कि इसमें सीनियर काउंसलर कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, अपने एतबार से वो जानते हैं, हमें उसे कोई एतराज़ नहीं है, वो हमसे अच्छे हैं। तो एक अपना खादिम होने के नाते इस प्रोग्राम के तई अलहमदिल्ला कई बार हम अपनी खिदमात डिलीवर कर चुके हैं और अलहमदिल्ला उसके 80-90% पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं कि जो लोग इन्वॉल्व थे अलहमदिल्ला वो रिकवरी धीरे करते करते वापस आ गए और जो नहीं थे वो दूर रह गए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जब अवेयरनेस सही से होगी, काउंसलिंग सही से होगी और सही से बच्चे को समझाया जाएगा तो बहुत मुमकिन है अल्लाह के फजल करम से वो बच जाएगा। इसमें तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। सबसे पहली चीज़ है पेरेंट्स को देखना है मेरा बच्चा मेरी निगरानी में है या नहीं। निगरानी का मतलब ये नहीं कि वो सुबह के 2 घंटे आपके पास है, शाम के 2 घंटे, दिन में जो कि सुकून है। निगरानी का मतलब है, सुपरविजन का मतलब ये है कि 24 घंटा आप उसके निगरान रहे। आप 24 घंटा पीछे तो नहीं लेकर रहेंगे आप, लेकिन आपके उसके एक्शन, उसका उठना बैठना, उसका लब लहजा, उसका कलाम, उसकी बातें, वो कल कैसा था आज कैसा है, कल आके पढ़ रहा था आज आके सो रहा है, व्हाट्स द रीजन। इन चीज़ों को पेरेंट्स को देखना चाहिए, फिर उसमें प्यार से मोहब्बत से तह में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि बात क्या है,